एक्सरसाइज 2.2 के पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कवर किया है। हमने ऑलरेडी 2.2 की एक इंट्रो वीडियो बनाई है जिसमें कि आपको पता चलेगा कि जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल क्या होता है और उसे हम कैसे फाइंड करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, आपको और भी हेल्प मिल जाएगी और आप इस एक्सरसाइज को ईजी कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल एट 5x - 4x² + 3 एट x0, x = -1 एंड x = 2। हमें पॉलीनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है जब एक्स 0 होगा, -1 होगा और 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, p0 एंड p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल। हमें फाइंड करना है जब पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2, इन सब पॉलीनोमियल्स की एक्सप्रेशन में हमें ये वैल्यू डालकर देखनी है और फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2, जिसमें उसने बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल। हमें इस पॉलीनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है जब एक्स 0 हो, जब एक्स माइनस 1 हो और एक्स 2 हो। तो चलिए फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें पॉलीनोमियल क्या दिया हुआ है, 5x - 4x² + 3। क्या दिया हुआ है, 5x - 4x² + 3 हमें पॉलीनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। हमें देखना है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो इस पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या होगी, x 0 होगा तो हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे हमें इसकी वैल्यू 0 पुट करनी है। तो चलिए पुट करते हैं, एट x = 0 5x - 4x² + 3। 5 को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, -4x को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, और 4 से किया तो भी 0 आएगा, +3, तो हमारा क्या हो गया आंसर, 3। मीन्स द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल 5x - 4x² + 3 एट 0 इज 3। सो द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल, द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0 इज 3। अब नेक्स्ट हम करते हैं, हमने x की वैल्यू 0 रखा तो हम निकल गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, जब x की वैल्यू हम रखेंगे -1। बी पार्ट पे दिया हुआ है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट x = -1। तो चलिए रखते हैं बी पार्ट में, x = -1। उसने हमें x कितना दिया हुआ है, -1। पॉलीनोमियल क्या है, 5x - 4x² + 3 एट x = -1। ओके, तो मतलब x की जगह हमें क्या लिखना है, -1। तो 5x है तो कितना लिखेंगे, -1 -4 - 1 का स्क्वायर, ठीक है, x है ना, x का स्क्वायर है, तो हमने क्या लिखा है, -1 का स्क्वायर + 3। 5 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो कितना आएगा, -5, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ओनली 1। समझिए क्या किया है, -1 का स्क्वायर। अगर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 ही आएगा ना, -1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो +1 + 3 ये हो गया -5। 4 × 1 = 4 -4 + 3 ये हो गया -, -9 +3 -, करेंगे इसे 6, और दोनों में से किसका साइन बड़ा है, 9 का, तो 9 के आगे क्या साइन है, माइनस, तो इधर भी माइनस लगा देंगे। 9 के आगे हमने इसलिए माइनस लगाया क्योंकि इन दोनों में से साइन तो सेम है, बट 5 का साइन बड़ा ना, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया है। तो हमारा x जब -1 रखेंगे, हमारे पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, -6। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, x अगर 2 होगा तो वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल क्या होगी। हमारी वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल क्या दी है, 5x - 4x² + 3। तो लिखते हैं एट x = 2। x 2 होगा तो कितनी होगी वैल्यू, x की जगह पे 2 पुट करते हैं, 5 2 - 4 2 का स्क्वायर + 3। 5 2 = 10 -4, 2 2 = 4 + 3, 10 - 16 + 3। 10 - 16 = 6, 16 का साइन बड़ा तो माइनस आ जाएगा, +3, -, -6 + 3 - -, तो माइनस कहते हैं, 6 - 3 = 3, और बड़ा किसका साइन है, माइनस का, 6 का, तो इसके आगे है माइनस का, तो इधर माइनस लगा देंगे। सो द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल
एट एक्स इज इक्वल टू टू इज माइनस थ्री. सो दिस इज योर आंसर. सो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2. हमें दिया हुआ फाइंड पी जीरो पी वन एंड पी टू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. हमें इन पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू 0 रखनी है, 1 रखनी है, 2 रखनी है और हमें उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. और हमें ये पॉलिनोमियल्स की पूरी इक्वेशन हमें दिया हुआ वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन. वाई मतलब हमारे वेरिएबल में हमने वैल्यू 0 1 2 इधर भी 0 1 2 डालनी है, इस वेरिएबल में भी 0 1 2 जो टी है, x में भी 0 1 2 और इधर भी x में 0 1 2 हमें वैल्यू डालनी है. तो चलिए पहले फर्स्ट करते हैं. फर्स्ट हमें दिया हुआ है p y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1. तो अब हम इस वेरिएबल में सबसे पहले हम वैल्यू डालेंगे 0, जैसे कि हमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है. हमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है ना कि हमें यहाँ पे वैल्यूज डालनी है 0 1 2 वेरिएबल में. तो हमने पहले 0 वैल्यू डाली पी ज़ीरो, हमने वाई की जगह लिखा ज़ीरो का स्क्वायर माइनस ज़ीरो प्लस वन. ज़ीरो का स्क्वायर इज़ ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस वन. ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज़ ज़ीरो प्लस वन. ज़ीरो प्लस वन इज़ वन हमारा आंसर आ गया जब हमने वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो डाली. अब हम वेरिएबल की वैल्यू डालते हैं वन. तो ये हमारा हो गया वाई स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन. तो ये हो गया वन का स्क्वायर इज़ वन माइनस वन प्लस वन. 1 माइनस वन इज़ ज़ीरो प्लस वन विच इज़ वन. अब हमें फिर से पी वाई की हमने ये लिया पॉलिनोमियल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन. अब हम इसमें वेरिएबल की वैल्यू डालेंगे 2. 2 बोला है ना हमें क्वेश्चन में डालने के लिए. देखिए पी ज़ीरो पी वन एंड पी टू. अब हम यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू क्या डालेंगे 2. तो ये जगह वाई की जगह हमने 2 डाला, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस वन. सो 2 टू इज़ 4 माइनस 2 प्लस वन. 4 माइनस 2 इज़ 2 प्लस 1. 2 प्लस 1 इज़ 3. सो जब हमने वेरिएबल में वैल्यू 0 डाली तो हमारा आंसर मिला 1. हमने वेरिएबल की वैल्यू 1 लिखी तो हमारा आंसर मिला हमें 1. जब हमने वेरिएबल की वैल्यू 2 लिखी तो हमारा हमें आंसर मिला 3. सो हमारी नेक्स्ट पॉलिनोमियल हमें दी हुई है पी टी वेरिएबल है, टी हमारा वेरिएबल है, इज़ इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2 टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब. तो हमने पहले लिखा पी टी इज़ इक्वल टू 2 प्लस टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब. तो सबसे पहले हमने वेरिएबल की वैल्यू रखी 0, ठीक है. तो ये हो गया 2 प्लस टी की जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस 2 टी का स्क्वायर इज 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब विच इज़ 2 प्लस 0. 0 को स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा और जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा. 0 का क्यूब इज़ ऑल्सो 0. तो 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0 तो आंसर तो 2 ही आएगा, ठीक है. जब हमारे वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो ये आएगा हमारा वैल्यू 2. हम अपना पॉलिनोमियल का इक्वेशन वापस से लिखते हैं. ये दिया 2 प्लस टी प्लस 2 टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब. अब हम वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे 1. तो हमने रखा पी वन इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब. यू गेट 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1. सो 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2. 1 का क्यूब इज ऑल्सो 1, ठीक है. तो 2 प्लस 1 इज 3 प्लस 2 माइनस 1 इज 1. तो हमारा आंसर कितना आ गया, दैट इज 4, ठीक है. जब हमारे वेरिएबल की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4. अब हम अपने वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं 2. तो पहले हमने लिखा पी टी प्लस इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2 टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब. अब हम वेरिएबल की वैल्यू क्या रखेंगे 2. तो पी 2 इज इक्वल टू 2 प्लस टी की वैल्यू तो हमें 2 रखनी है, वेरिएबल की वैल्यू 2 है ना. 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब. 2 प्लस 2 प्लस 2 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 2 का क्यूब इज 8. 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8. सो दिस इज 2 प्लस 2 प्लस 4 टू ज़ 8 माइनस 8. 2 प्लस 2 इज 4 एंड 8 माइनस 8 इज 0. तो हमारा आंसर क्या आ गया 4. मतलब हमारे वेरिएबल की वैल्यू जब 2 होगी तो हमारा आंसर आएगा 4. सो हमने इसमें जब वेरिएबल की वैल्यू 0 डाली तो 2 आया, 1 डाला तो 4 आया और जब 2 डाला तो भी हमारा आंसर क्या आया,
4 आया। तो अब हमें दिया हुआ पी की एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, हमें वेरिएबल में वैल्यू डालनी है 0, 1 एंड 2, सेम वही करना है, बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। तो पहले लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो 0 का स्क्वायर व्हाट इज इट, 0। अब हम डालते हैं 1, सो 1 का स्क्वायर एक्स में ही तो वैल्यू डालनी है, 1 का स्क्वायर इज 1 एंड पी जब हमारे वेरिएबल की वैल्यू 2 होगी तो 2 का स्क्वायर इज 4, 2 × 2 = 4। सो अब हमें दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1। अब हमें सेम वेरिएबल में वैल्यू डाली है 0, 1 एंड 2, बस हमारे यहाँ पे क्या है ये वेरिएबल्स चेंज हो गए, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये हमारा पॉलीनोमियल चेंज हो गया। तो चलिए वेरिएबल्स की वैल्यू डालते हैं, पहले हम लिख देते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। सो हमारे वेरिएबल की वैल्यू जब 0 होगी तो क्या होगा, 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, बीच में तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, 0 प्लस 1 इज 1, तो माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और माइनस भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे वेरिएबल की वैल्यू कितनी लेंगे, 1, तो हमने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। अब हम लेंगे वेरिएबल की वैल्यू 1, सो 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया मल्टीप्लाई, 1 प्लस 1 इज 2, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0। नेक्स्ट इज अब हमें वेरिएबल की वैल्यू कितनी लेनी है, 2, तो चलिए रखते हैं, पहले हमने लिख दिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। अब हम इसकी वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे 2, तो ये आया 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, सो 2 माइनस 1 इज 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इज 3, सो 1 मल्टीप्लाई 3 इज 3, सो 3 इज योर आंसर। सो मतलब इससे हमने देखा कि अगर हमारी वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो आंसर आएगा माइनस 1, 1 होगी तो 0, और अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू 2 होगी तो 3 हमें वैल्यू मिलेगी।